तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बॉन्डिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन टू बॉन्डिंग की बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग क्यों ज़रूरी है और बॉन्डिंग से क्या क्या बेनिफिट है, क्यों बॉन्डिंग जो है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं हमारे पास ग्रुप 18 एलिमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी। ठीक है, तो ग्रुप 18 में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले हमारे पास है हीलियम, उसके बाद आ जाती है हमारे पास नियॉन, फिर हमारे पास एर्गॉन, फिर हमारे पास आ जाती है क्रिप्टॉन, उसके बाद आ जाती है ज़ीनॉन और फिर आ जाती है हमारे पास रेडॉन। ठीक है, जबकि ये ग्रुप 18th एलिमेंट हैं तो हम जानते हैं कि इनको हम कहते हैं नोबल एलिमेंट्स। ठीक है, या नोबल गैसेस कहते हैं इनको। क्या कहेंगे हम इनको? नोबल गैसेस। तो देखिए भाई, इसको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये इजिली किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेबल हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल है, हर एक शेल सब शेल जो है वो इनका फिल है। पिछले चैप्टर में जो हमने मैजिक नंबर पढ़ा था, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आपको ये स्टेबिलिटी जो है वो समझ आ जाएगी, कैसे हम फिल करते हैं, कैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तब देखिए भाई, ग्रुप 18 तो हमारे पास स्टेबल है, यहाँ पे ये सारे हमारे पास स्टेबल है, बट इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो स्टेबल नहीं है। तो हर एक स्टेबल होना चाहता है, तो उसी स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, या फिर कम है तो गेन करेंगे या फिर म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अब बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होगी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, सब चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, इसलिए वो बॉन्डिंग करेंगे या फिर वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे। तब या डोनेट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, कि दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब भाई टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम देखेंगे यहाँ पे, कि जब वो बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं तो कौन कौन से टाइप के वहां पे बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होंगे। ठीक है, तो देखिए उनको शेयर करने के लिए या फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या लूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे जो हमारे पास, अगर हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे और ये लूज करेंगे। उसके बाद या फिर अगर उनको गेन करने की या लूज करने की टेंडेंसी कम है तो वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। बराबर हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएंगे, यानी अपना इलेक्ट्रॉन एक खुद का दूसरे को देंगे और दूसरे का खुद ले लेंगे। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग कर देंगे। ओके, अब होगा क्या हमारे पास यहाँ पे, कि अगर आपके पास, देखिए फर्स्ट टाइप की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो कैसी बॉन्डिंग होगी, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे आपके पास आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आयोनिक बॉन्ड क्या है, भी आयोनिक बॉन्ड क्या है, जिसमें या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, इस चार्ज की वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होगी, तो उसको हम कहेंगे सिंपली आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद
आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, यानी कि जब आपके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, ठीक है, ठीक है, की पॉइंट है ये, याद रखने लायक, इसको आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और ये वाला भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सिंपली आपने पढ़ा, टेंथ से पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन कार्बन जो है आपस में कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है, चार सेम है, अब चार सेम है तो ये कौन सा फॉर्म कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तीसरा हमारे पास आ जाएगा कि अगर आपके पास दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैं, ये भी आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और दूसरा भी आपके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलके कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई हमारे पास आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, देखिए भाई आयोनिक बॉन्ड हमारे पास होगा जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएंगे, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे एटम के पास, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है, इसमें आपके पास शेयरिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो भी होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयर होंगे। और मेटालिक बॉन्ड जो आपकी मेटालिक बॉन्डिंग है उसमें क्या होगा, ठीक है, कि उसमें होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, होल क्रिस्टल में आपके पास फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो देखिए भाई ये थी आज की वीडियो इंट्रोडक्शन टू बॉन्डिंग, जिसमें हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इंट्रोडक्शन पढ़ी कि आयोनिक कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड क्या है। देखिए भाई अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीन बॉन्ड्स को, जो ये बॉन्ड्स के टाइप हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और आपने करना क्या है, तब तक चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उस सब वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।